हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमारा जो नाइन्थ लेसन है दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक जनरल सी इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो जगह है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट अडेप्टेशन दोनों जो है वो बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी वन, डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन दैम? लुक एट वट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड फॉर द कॉलम इन द सी। डिड यू सी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस टू कॉलम्स? वट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन? लिखा है कि जैसे आपने सी के या फिर डेजर्ट के जैसे एनिमल्स देखे तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के थे। ठीक है, तो वट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन, तो उसमें क्या सराउंडिंग्स रहेंगी इन दो रीजन में, इसमें एक डेजर्ट में और एक सी में। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलाइन। सैलाइन वर्ड का मीनिंग होता है सॉल्टी। ठीक है, सॉल्टी वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। लिखा है कि जो सी में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय सैलाइन वाटर, क्योंकि सी में क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, तो उसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो भी सैलाइनी वाटर से क्या होंगे, सराउंडेड होंगे। एंड मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। अब वो वाटर में प्रेजेंट है, तो वाटर में जो भी एयर डिजॉल्व हो गई है, जो घुल गई है, वो प्लांट्स और एनिमल जो है वो उसी एयर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। There is very little water available in the desert. मरुस्थल desert सूखे एरिया में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम पानी जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। के डेजर्ट एरिया में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शाम को बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। द एनिमल्स एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीद एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। के जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं डेजर्ट एरिया के, वो किस में रहते हैं, डेजर्ट में जो सॉइल होती है उसमें रहते हैं। एंड दे ब्रीद एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में उनके आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसको वो यूज करते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस टू रीजन। ठीक है, कि जो सी और डेजर्ट हैं वो डिफरेंट सराउंडिंग्स हैं दोनों, और हमें वहां पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिलेंगे इन दो रीजन्स में। ठीक है, लेट अस लुक एट वेरी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। तो इसमें एग्जांपल लिए गए हैं कि आइए हम इन दो रीजन्स को क्या करें, उनके बारे में जाने बाय स्टडिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। डेजर्ट से इन्होंने लिया है कैमल और सी से इन्होंने लिया है फिश। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। के जो कैमल है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उस तरह से बना हुआ है ताकि वो डेजर्ट कंडीशन में जो है वो सर्वाइव कर सके। अब वो क्या उसकी कंडीशंस हैं, कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। लिखा है कि जो कैमल की जो लेग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा लंबी होती हैं ताकि वो सैंड के कॉन्टेक्ट में जो है वो उसकी बॉडी ना आए। ठीक है, तो उसको वो गर्मी से बचाएगा। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। के वो एक्सक्रीट करना मतलब होता है कि जो अनवांटेड मटेरियल है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना, तो वो बहुत ही कम यूरिन जो है वो बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। उनका जो डंग है वो ड्राई होता है। ठीक है, एंड दे डू नॉट स्वेट, उन्हें पसीना भी बहुत कम आता है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। इसका मतलब है कि जो कैमल है वो बहुत ही कम पानी जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसलिए वो पानी के बिना भी जो है वो बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। कि आइए अब डिफरेंट फिशेज की बात करें। सम ऑफ देम आर शोन इन फिगर, ये बताई गई है फिगर में फिशेज। देर आर सो डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे हैव ऑल समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। लिखा है कि जो फिशेज है वो अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन होती है, वो है उनकी बॉडी शेप। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था,
जो थी उनकी स्ट्रीमलाइन शेप के जो फ्रंट एंड है बैक एंड है वो कैसा होगा, वो टेपरिंग होगा वो, और साइड से बीच में से उनकी बॉडी जो है वो कैसी होगी, ठीक होगी, ठीक है, आगे पीछे से जो है वो पतली होगी और बीच से उनकी बॉडी जो है वो मोटी होगी। तो इस तरह जो है वो इस तरह की शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। ऑल द वन शोन हैव द स्ट्रीमलाइंड शेप दैट हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, क्यों मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो पानी में रह सके। फिशेज हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे स्लिपरी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं ताकि वो इजिली जो है वो पानी में रह सके, क्योंकि अगर इस तरह की बॉडी जो है वो अगर उनकी नहीं होगी तो वो पानी में नहीं रह पाएंगी। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जैसे कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा कि फिशेज में क्या होते हैं, फ्लैट फिन्स होते हैं, टेल्स होते हैं जो डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं और उनकी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब वो सांस कहाँ से लेती हैं, जो पानी, अब वो पानी में रहती हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन है वो मिल गई है और उसी ऑक्सीजन को जो है वो फिशेज जो है वो लेती हैं। और वो कैसे लेती हैं, उनमें उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। जैसे कि हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो हम में होते हैं लंग्स, उसी तरह से फिशेज में होते हैं गिल्स जो उनको रेस्पायर जो सांस लेने में उनकी हेल्प करते हैं। और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द वाटर। वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गई है और उसी वाटर से वो क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। वी सी दैट द फीचर ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इन साइड वाटर एंड फिश फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। तो हमने देखा कि फिश ने अगर पानी में रहना है तो पानी में तो फिशेज ने उसी तरह की फीचर्स आ गई हैं कि वो पानी में रह सके, और अगर कैमल में डेजर्ट में रहना है तो उसकी बॉडी भी उसी तरह से उसमें फीचर्स हैं कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। वी हैव टेकन ओनली टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन अर्थ। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे आर अ सर्टन फीचर दैट हेल्प देम टू लिव इन द सराउंडिंग विच दे आर नॉर्मली फाउंड। लिखा है कि हमने इतनी ज्यादा वास्ट वेराइटी से सिर्फ दो एनिमल्स लिए थे, ठीक है, और हमने देखा कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें स्पेशल तरह की कुछ फीचर्स आ गई हैं जो उसको सराउंडिंग में रहने के लिए जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच अनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि सीजन्स हैं हमारे, समर्स हैं, विंटर हैं, गर्मी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, फैन चलाते हैं। विंटर्स आती हैं, हम गर्म कपड़े पहनना कर देते हैं, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने आप को क्या करते हैं, उसमें अडप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। ढालना इंग्लिश हिंदी में अगर बोलें तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना, वो हो गई अडप्टेशन। अब अडप्टेशन डेफिनेशन अगर आप देखें, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, के किसी प्लांट या एनिमल में कुछ ऐसी स्पेसिफिक फीचर्स या कुछ ऐसी हैबिटेट जो उस प्लांट और एनिमल को जो है वो सराउंडिंग में रहने के लिए क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, अडप्टेशन। तो आई होप कि आपको जो अडप्टेशन तक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अडप्टेशन क्या है। अडप्टेशन क्या है, कुछ स्पेशल फीचर या कुछ हैबिट्स जो किसी प्लांट या एनिमल को सराउंडिंग में अडप्ट करने के लिए, रहने के लिए जो हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं अडप्टेशन। डिफरेंट एनिमल्स आर अडप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज, और अलग तरह के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीकों से जो है वो अपनी सराउंडिंग को अडप्ट करते हैं, ठीक है। तो आज अडप्टेशन के लिए इतना ही करते हैं, कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में, ठीक है। तो अडप्टेशन तक जो है वो आप लोगों को चैप्टर जो है वो क्लियर होना चाहिए, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।